डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास बायोलॉजी से। और ये जो चैप्टर है वो तीन पार्ट्स में रहेगा। जो सबसे पहला पार्ट है वो जनरल इंट्रोडक्शन जो फ्लावर है उसके बारे में, और उसका जो मेल पार्ट है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, और स्टेमन में माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन के बारे में डिस्कशन रहेगा। और साथ ही जो फीमेल पार्ट है जिसको हम कार्पल या फिर पिस्टल बोलते हैं, और उसके अंदर जो मेगास्पोर और मेगास्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है, और साथ में हम ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम देखते हैं कि जो माइराइट्स ऑफ द फ्लावर सेंट्स परफ्यूम दैट वी सून ओवर। माइराइट्स इनफाइनाइट नंबर बोलते हैं, अनगिनत जिसकी संख्या हो। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के जो फ्लावर्स हैं, उनके जो सेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, उनके जो जो परफ्यूम्स और सेंट हम यूज करते हैं, वी अट्रैक्ट सून ओवर का मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और जिनको काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं वो हमको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो किस चीज़ के लिए बने हैं, उनका जो मेन मकसद है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना होता है एंजियोस्पर्म्स में। और फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज, केवल फ्लावर्स हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं बने कि हम उनके अपने स्वार्थ के लिए यूज करें, बल्कि और ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमको पता है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं। और डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरिसेंस, तो अलग अलग प्रकार से इनफ्लोरिसेंस का पाया जाना, इनफ्लोरिसेंस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के जब फ्लावर्स हैं वो इकट्ठे पाए जाते हैं तो उसके अरेंजमेंट को इनफ्लोरिसेंस बोला जाता है। फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी सारी टाइप की अडेप्टेशंस अनुकूलता दिखाता है, अलग अलग हैबिटेट के अंदर क्या करे जा सके, ताकि टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो फ्रूट्स ओवरी से बनते हैं और जो सीड हैं वो ओव्यूल से बनते हैं, उनको एंश्योर किया जा सके, उनको निश्चित किया जा सके। तो जो फ्लावर है वो क्या है, फैसिनेटेटिंग, बड़ा ही आकर्षक ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म्स में, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, तो फ्लावर्स को हम एस्थेटिक, ब्यूटी रिलेटेड, ऑर्नामेंटल, साजो सजावट से रिलेटेड, सोशल एंड रिलीजियस अलग अलग जो हमारे एम्स हैं उनके लिए, मकसद के लिए हम उनको यूज करते हैं। और साथ में कल्चरल वैल्यू भी फ्लावर के साथ अटैच होती हैं, कि उनको हम दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड, तो उनको काफ़ी लंबे टाइम से किस रूप में हम यूज करते रहे हैं। सिंबल्स फॉर कन्वेइंग, कि जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं उनको व्यक्त करने का एक सोर्स के रूप में हम यूज करते हैं। कौन सी ह्यूमन फीलिंग्स है, जैसे लव, अफेक्शन है, अफेक्शन भी लव होता है, हैप्पीनेस जो खुशी है, ग्रीफ शोक और मोर्निंग मतलब जो दुख है, दुख और शोक होते हैं, थोड़े कम ज़्यादा के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, इंग्लिश वर्ड है। और लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्यूलॉजिकल मार्वेल्स, तो उनके लिए तो एक चमत्कार से कम नहीं है ये। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो बाहर से दिखाई दे, अट्रैक्टिव दिखाई दे, और बायोलॉजिकल मतलब जिनका रिलेशन एम्ब्रियो से रिलेटेड, एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड है, और साथ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक साइट, एक जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो उसके रूप में देखते हैं जो एक बायोलॉजिस्ट होता है। तो एक फ्लावर का जो डायग्राम है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो फ्लावर का जर्नल डायग्राम है उसमें सेपल्स होते हैं, ग्रीन कलर का पार्ट जो आउटर वर्ल होता है, आउटर पार्ट होता है, यदि हम बाहर से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ देखें अरेंजमेंट के हिसाब से। उसके बाद पेटल्स होती हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होता है, और जो भी अलग अलग कलर होते हैं वो पेटल्स के दिखाई देते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर इस चीज का यूज करता है। उसके बाद स्टेमन है, थर्ड फ्लावर वर्ल है, जो ये एंथ्रोर फिलामेंट, एंथ्र वही जगह जहाँ पे पोलन ग्रेन पैदा होते हैं, और पिस्टल जो इनर मोस्ट और सेंट्रल पार्ट होता है, और उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स हम देखते हैं, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था तीन टाइप के इवेंट देखने को मिलेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम देखते हैं, और उसके अंदर कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो बनती हैं, और इवेंट घटनाएं कौन सी होती हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर प्रीमोर्डियम। तो काफ़ी हार्मोनल सिक्रेशन होता है,
और जैसे फाइटो हार्मोन जो प्लांट के अंदर सिक्रेट होते हैं और स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं इस हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से जो डिफरेंशिएशन है सेल अलग अलग टाइप से अपना काम है वो स्पेशलाइज उनके रूप में स्पेशलाइज होती हैं। और डेवलपमेंट किस चीज़ का होता है, फ्लोरल प्रीमोर्डियम। प्रीमोर्डियम वो स्ट्रक्चर होती है जो कि बाद में किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स बनने से पहले जो एक फ्लावर बड है उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया, फ्लावर प्रीमोर्डियम। इनफ्लोरिसेंस आर फॉर्मड विच बियर फ्लोरल बड्स एंड दियर देन फ्लावर्स। तो इनफ्लोरिसेंस वही है जो अरेंजमेंट होता है, कई बार जो फ्लावर हैं सिंगल ग्रुप में पाए जाते हैं टहनी पे, कई बार वो ग्रुप में पाए जाते हैं, तो ग्रुप में पाया जाना ही इनफ्लोरिसेंस कहलाता है। और किसकी वजह से बनता है, शुरुआत में इनफ्लोरिसेंस के ऊपर फ्लावर बड्स होते हैं जिनसे आगे जाके फ्लावर्स बनते हैं। जो फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम, एंड्रोसियम मेल पार्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यूज किया जाता है, और उससे डिफ्रेंशिएट होते हैं और उनका विकास होता है। तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए वर्ल ऑफ स्टेमन, और एंड्रोसियम के अंदर सारे जो स्टेमन्स हैं चाहे वो एक हो दो हो जितनी भी संख्या है वो सारा जो मेल पार्ट ऑफ एंड्रोसियम के अंदर आता है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेमन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं किसी भी स्टेमन के, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट क्या है, लॉन्ग एंड सिलेंडर, सिलेंडर इसकी शेप से रिलेटेड है, स्टार्क डंडी जैसी संरचना होती है। प्रोक्सिमल एंड है जो पास वाला जो एंड है फिलामेंट का, वो किसके साथ अटैच होता है, तो थैलेमस के साथ, जो बेसल पार्ट है फ्लावर का उसके साथ, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर। कई ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके अंदर एपोपेटलस कंडीशन पाई जाती है कि उसमें जो एंथर है या फिर जो फिलामेंट है वो थैलेमस से ना निकल के वो पेटल से राइज होते हैं। उसके बाद एंथर, एंथर क्या, टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये टर्मिनल बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होता है फिलामेंट के, और बाइलोब्ड दो लोब बने होते हैं, दो चैम्बर बने होते हैं इसके अंदर। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, तो इसलिए इसको डाइथिकस कंडीशन भी बोलते हैं। आफ्टर ए थीका, यहाँ पे चैम्बर से रिलेटेड, स्मॉल चैम्बर से रिलेटेड वर्ड यूज किया गया, ओपन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, और एक ग्रूव एक थोड़ा सा निशान बना होता है रन्स लेंथ वाइज, जो पूरे एंथर के लेंथ वाइज चलता है और जो थीका को सेपरेट करता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्टिव इन ट्रांसवर्स सेक्शन, और जो हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं किसी फ्लावर का आगे डायग्राम में देखेंगे तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, ये वही माइक्रोस्पोरेंजिया जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, पोलन ग्रेन बनते हैं, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच लोब, प्रत्येक लोब के अंदर क्या होता है, दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं प्रत्येक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होती हैं और बाद में पोलन सेक्स, मतलब जहाँ से पोलन ग्रेन बनती हैं उन थैलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद, और ये क्या है, पूरे के पूरे पोलन ग्रेन जो भी एंथर है एंथर की लेंथ वाइज फैल जाती हैं, एक्सटेंड का मतलब फैलना, और ये पोलन ग्रेन से बाद में पैक हो जाती हैं, भर जाती हैं। नंबर और लेंथ ऑफ स्टैमंस है वो भी अलग अलग देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज के अंदर, किसी में कम ज्यादा हो सकते हैं, और जो लेंथ है वो भी वेरिएबल होती है, वो भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। उसके बाद डायग्राम देख सकते हैं, स्टैमन के दो पार्ट है एंथर और फिलामेंट, और जब इसका डीएस करते हैं पोलन ग्रेन का तो चार जो स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये ग्रूव है जो अलग अलग थीका को अलग अलग सेपरेट करता है, और ये चार जो माइक्रोस्पोरेंजी हम देख सकते हैं। इसी तरीके से एनसीआरटी का डायग्राम है, सेम स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे डायंस ऑफ एंथर की स्ट्रक्चर शो करी हुई है जो कि पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होते हैं। लाइन ऑफ डायंस का मतलब यहीं से जो एंथर है वो ब्रस्ट होता है मैचुरेशन के बाद, और ये भी क्या है, डायंस ऑफ एंथर है जिसे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है अब उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपियर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, जब हम उसका टीएस देखते हैं तो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वृत्ताकार स्ट्रक्चर, चार लेयर से सराउंड होती हैं, घिरी होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर हाइपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर्स हैं, काफी दो या तीन के नंबर में हो सकती हैं, टाइपेटम इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो
आउटर थ्री लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स, इनका जो मेन काम है वो प्रोटेक्शन का होता है और हेल्प इन डाइजेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। और जब एंथर रिलीज होने होते हैं तो इन्हीं वाल्स के अंदर, थ्री लेयर्स के अंदर ब्रस्टिंग होती है, यही ब्रेक होती है। और जो टैपिटम है, इनर मोस्ट लेयर है, इसके बारे में काफी पूछा जाता है। ये इनर मोस्ट लेयर होती है और जो पोलन ग्रेन है उनको पोषण देती है, नरिश करती है। जब वो पूरे डेवलप नहीं होते तब तक नरिशमेंट का काम इनका होता है। सेल पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म, इनकी जो सेल्स हैं टैपिटम की सेल, उनके पास साइटोप्लाज्म है, वो सघनता में पाया जाता है। काफी सारी सेल ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं और एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जिसको सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू भी एक प्रेजेंट होता है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल से बना होता है, मतलब पास पास अरेंज होती हैं सेल और एक ही प्रकार का अरेंजमेंट वहां पे देखने को मिलता है। और ये ऑक्यूपाई करता है, मतलब जो कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन यंग एंथर। खास कर ये यंग एंथर के अंदर ही जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। उसके बाद डायग्राम हम देख सकते हैं एंथर का, जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने देखने को मिलती है, ये जो चार हैं स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं यंग एंथर के अंदर, और यही आगे जाके पोलन सेक्स में कन्वर्ट होती हैं। इनके अंदर जो छोटे डॉट्स हैं वो हम पोलन ग्रेन देख सकते हैं, और काफ़ी अलग अलग टाइप की जो लेयर है वो एंडोथीसियम अलग से देखते हैं लेयर, एपिडर्मिस एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर है ग्रीन कलर में, और फिर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं, फिर और एपिटम जो इनर मोस्ट लेयर है, और उसके अंदर जो भी हमारे पोलन ग्रीन है, पोलन मदर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये डायंस ऑफ एंथर है, जिसके अंदर जो वाल ब्रस्टिंग होती है ग्रूव से, जो मेजर ग्रूव है वहां से, और उसके बाद जो एंथर है वो रिलीज होते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा डायग्रामेटिक पोर्शन हम देख सकते हैं, सेम वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। तो उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे ही एंथर डेवलप होता है तो सेल्स हैं जो स्पोरोजेनियस टिश्यू की, जो कि यंग एंथर में पाया जाता है, वो माइक्रोस्पोर टेट्राड मियोटिकली, मतलब उनके अंदर मियोसिस प्रोसेस होती है। और हम देखते हैं कि मियोसिस में चार जो है, एक सेल चार में डिवाइड होती है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसी को MMC बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे कि आगे जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना होता है मियोसिस के द्वारा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है, किससे? पोलन मदर सेल से, PMC से, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो चार में पाई जाती हैं माइक्रोस्पोर्स, क्लस्टर झुंड में पाई जाती हैं चार सेल के, उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। जैसे ही एंथर मैच्योर और डिहाइड्रेट, मतलब उसमें पानी की कमी होती रहती है, तो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और जिससे कि पोलन ग्रेन में बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो टेट्राड बनते हैं ये पोलन ग्रेन बनाते हैं बाद में। और इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स हैं वो डेवलप होते हैं, दैट आर रिलीज्ड विद डीएन्स ऑफ एंथर। डीएन्स ऑफ एंथर मतलब जो पोलन ग्रेन है उनका रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसी को डीएन्स ऑफ एंथर बोलते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस देख सकते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लोइड स्ट्रक्चर है, मियोसिस होएगी, मियोसिस के बाद फर्स्ट मियोसिस वन है जो सेल में डिवाइड होएगा, हैप्लोइड कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, और मियोसिस टू जो कि माइटोसिस जैसी होती है, इससे आगे जो सेल्स हैं वो बन जाती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम से जो स्ट्रक्चर बनती है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोर जो न्यूक्लियस है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है। उसके बाद जो माइक्रोस्पोर बनेगा, इसी से आगे जाके माइटोसिस से काफ़ी सारे जो आपको पोलन ग्रेन्स हैं वो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल, ये एक जो पोलन ग्रेन है उसकी स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज होती है, इसके अंदर एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, और काफ़ी बार ये यहाँ पे तीन सेल स्टेज भी होती है, जिसके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है टू के अंदर, स्क्रम सेल जिसको बोलते हैं। तो ये थ्री सेल स्टेज भी हमको काफ़ी देखने को मिलती है। तो ये हम एक प्रोसेस से समझ सकते हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर या फिर लास्ट में पोलन ग्रेन बनता है। उसके बाद पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट जिसको बोला जाता है, ये क्या है? स्फेरिकल
स्ट्रक्चर होती है, गोलाकार स्ट्रक्चर होती है 25 से 50 माइक्रोमीटर का। इसका एक डायमीटर होता है, काफ़ी स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वाल होती है, स्पष्ट दो वाल दिखाई देती हैं जब भी हम इसका डाइसेक्शन या क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं। तो एक जो लेयर है वो है एग्जाइन, जो कि आउटर लेयर होती है, हार्ड आउटर लेयर होती है, ये बहुत मजबूत होती है। स्पोरोलिनिन एक पोलिनिन एक यहाँ पे सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि सबसे मोस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिसके ऊपर कोई भी एसिड बेस या फिर किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली बेस में विदस्टैंड, मतलब ये सर्वाइव कर सकता है, इस पर कोई असर नहीं होता। कोई भी इंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता, अभी तक जो हमने नेचर में ढूंढा है कोई ऐसा इंजाइम नहीं मिला। जर्म पोर्स एक प्रोमिनेंट अपर्चर, जो सपस्ट एक पोर दिखाई देता है जहाँ पे स्पोरोलिनिन अपसेंट होता है, और यह क्यों अपसेंट होता था कि यहाँ से बाद में पोलन ग्रेन से जो पोलिनेशन जर्मिनेशन होता है तो वो पोलन ट्यूब निकल सके। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ स्पोरोलिन। और कई बार हम बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीसीज के पोलन ग्रेन देखते हैं फॉसिल्स के रूप में, वो इसी चीज की वजह से है कि वो अंदर का कंटेंट है वो प्रोटेक्टेड रखती है। एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस, और जो एग्जाइन है उसके अंदर काफी अलग अलग प्रकार के आकर्षित करने वाले अरेंजमेंट पैटर्न्स उसके देखने को मिलते हैं, और काफी सारे डिजाइन में एग्जाइन लेयर है, और जब माइक्रोस्कोप में देखी जाती है तो अलग अलग पैटर्न में दिखाई देती है। उसके बाद इनटाइन, इनटाइन इनर वाल होती है पोलन ग्रेन की, और ये कैसी होती है, थिन पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट जो आपको पोर है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देता। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की जो सब्सटेंस होती हैं, जो कि सेल वाल में पाए जाते हैं खासकर। साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, और दो सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल है जो थोड़ी बिगर होती है साइज में, और जिसके अंदर फूड रिजर्व्स होता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जनरेटिव सेल को। और लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो कि अलग अलग शेप का देखने को मिलता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल होती है साइज में, छोटी होती है, और जो फ्लोट करती है किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म है जो वेजिटेटिव सेल का उसके ऊपर। स्पिंडल शेप्ड होती है ये जनरेटिव सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म का है जो काफी गाढ़ा पाया जाता है, और एक न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम टू सेल स्टेज जैसा हमने देखा है, वो 60% एंजियोस्पर्म्स में जब भी पोलन रिलीज होते हैं तो वो दो सेल स्टेज में होते हैं, वहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल मिलती है। लेकिन कई बार जो जनरेटिव सेल है वो दो में डिवाइड हो जाती है, तो इसकी वजह से थ्री सेल स्टेज होता है। तो रिमेनिंग जो स्पीसीज है 40% जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली टू के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से टू मेल गैमेट्स हैं वो बन जाते हैं किससे पहले, पोलन रिलीज से पहले, सेड का मतलब रिलीज बोल सकते हो आप, तो उसको थ्री सेल स्टेज बोला जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो पोलन ग्रेन है उसका ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, अलग अलग साइज का जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे दिखाई देते हैं, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, स्पिक्यूल शेयर उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको अटैचमेंट में मदद करते हैं। तो उसके बाद जो रियल डायग्राम है पोलन ग्रेन का वो देख सकते हो आप, पोर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई है इसके अंदर, इनटाइन लेयर है, एक एग्जाइन है सराउंडिंग में जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, थिकनिंग ऑफ सेलुलोज, और इनर वॉल है जो वो सेलुलोज की बनी होती है जो कि कंटिन्यूस है, जिसके अंदर कोई भी आपको डिप्रेशन देखने को नहीं मिलते, हालांकि यहाँ पे कंप्लीट डिप्रेशन होते हैं जहाँ पे स्पोरोलिन बिल्कुल अब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग थिकनेस पाई जाती है। ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ही है जो कि जो एंथर होता है, एंथर के ऊपर पोलन रिलीज को शो कर रहे हैं, छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन हमको दिखाई दे रहे हैं, और जी पोलन जर्मिनेशन को शो कर रहा है कि जिसके अंदर ये हमारी जो है ट्यूब न्यूक्लियस है, मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और ये है जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो टू स्पर्म सेल इसी से बनते हैं, और लास्ट में जो पोलन पोलिनेशन पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनती है, उसी के थ्रू ये आगे जो न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक तक पहुँचाए जाते हैं इसी पोलन ट्यूब के द्वारा। तो इम्पोर्टेंस क्या है पोलन ग्रेन की वो हम देखते हैं। तो मैनी स्पीसीज हैं जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो एलर्जी क्रिएट करती हैं, और ब्रैंकियल एफ्लिकेशंस का एफ्लिक्शंस का मतलब जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ब्रैंकियल मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो क्रिएट करती हैं अस्थमा टाइप लोगों के लिए, जैसे अस्थमा जिनको होता है। तो इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है कुछ समय के लिए ही ये बीमारियाँ फैलाती हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकस, और पार्थिमम और जो कैरेट ग्रास है
जो कि एक इन्वेंटेड स्पीसीज है इंडिया के अंदर, काफ़ी कॉमन है, देखने को मिल जाती है। तो वो किसके साथ इंपोर्ट की गई थी? वीट, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे वीट को इंपोर्ट किया गया था मैक्सिको वगैरह देशों से, तो वहाँ से इंपोर्ट हो गया था उनके साथ में बाई चांस, जिसकी वजह से काफ़ी पोलन एलर्जी है वो क्रिएट की जाती है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं और काफ़ी सारा उनके अंदर पोषण पाया जाता है, जिसकी वजह से एक फैशन सा बन गया आज के टाइम पे पोलन टेबलेट्स इनकी बनाई जाती हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो टेबलेट्स की फॉर्म में और साथ में सिरप्स हैं जो पेय पदार्थों की फॉर्म में मार्केट के अंदर वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है वहाँ पर यूज किए जाते हैं। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज, और क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है, जो एथलीट है स्टेमिना बूस्टर होते हैं ये, और जो रेस हॉर्सेज होते हैं जो रेस के लिए घोड़े होते हैं स्पेशली, तो उनको ये दिए जाते हैं। और एक क्रायो प्रिजर्वेशन हम देखते हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको लार्ज नंबर में हम काफ़ी सालों के लिए लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जहाँ टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। और जो ये स्टोर किए हुए पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? पोलन बैंक्स के अंदर, और इसी प्रकार से होता है जैसे सीड बैंक्स होते हैं, और इनको किसके अंदर यूज करते हैं? क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर इनको यूज किया जाता है। आगे है फीमेल पार्ट, जो गाइनोसियम के पार्ट होते हैं पिस्टल, उसके बारे में हम देखते हैं। तो गाइनोसियम क्या है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो फ्लावर का उसको रिप्रेजेंट करता है, और सिंगल कईयों में सिंगल पिस्टल से बने होते हैं जिसको मोनोकार्पलरी कंडीशन बोलते हैं, और कई मुंह में जो गाइनोसियम है कई फ्लावर्स में वो एक से ज़्यादा पिस्टल का बना होता है, एक से ज़्यादा पिस्टल कैरी किए लिए होता है, तो उसको मल्टी कार्पलरी कंडीशन बोलते हैं। और मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, इसके अंदर फिर दो कंडीशन पाई जाती हैं, या तो हो सकता है सारे जो कार्पल हैं वो फ्यूज्ड हों, जिसको सिनकार्पस ओवरी या फिर सिनकार्पस गाइनोसियम बोलते हैं, या फिर जो कार्पल हैं पिस्टल हैं वो आपकी अलग अलग भी हो सकती हैं बेसल पोर्शन से, जिसको हम एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। थ्री पार्ट्स हैं जो पिस्टल के, वहाँ स्टिग्मा, स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म रिसेप्टिव पार्ट का काम करता है, जो पोलन ग्रेन को पकड़ता है जब पोलिनेशन होती है। स्टाइल इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। ओवरी बेसल पार्ट होता है पिस्टल का, जो कि स्वोलन पार्ट भी होता है। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवरी ओवरियन कैविटी लोक्यूल्स, तो जो प्लेसेंटा है एक उबार जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी के अंदर पाई जाती है, जिनको हम लोक्यूल भी बोलते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा ओव्यूल्स, तो मेगास्पोरेंजिया क्या है? जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स जो अराइजिंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है मेगास्पोर, जिसको हम बोल सकते हैं ओव्यूल्स बोला जाता है। और जो ओव्यूल्स हैं वो काफ़ी सारे नंबर में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है जैसे वीट पैडी और मैंगो में हम देख सकते हैं, और कई भी हो सकते हैं जो पपाया है वाटरमेलन है तरबूज और ऑर्किड्स चीड़ वगैरह के पेड़ होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जो डाइसेक्शन है, रियल डाइसेक्शन का डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले पेटल्स है, फिर स्टाइल पोर्शन है, इसी के ऊपर स्टिग्मा होता है, और फिर सेपल्स आपको दिख रही हैं, ओवरी का जो पार्ट है बेसल स्वेलन पार्ट है, और रिसेप्टिकल्स और स्टेमन स्टेम स्टेम है जो वो आप देख सकते हैं, फ्लोरल बोर्ड का जो भी एक ब्रांच है वो देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ पे अटैचमेंट है, और ऊपर हैं जो अलग अलग टाइप की जो स्टिग्मा पार्ट है, और यहाँ पे जो सिनकार्पस कंडीशन हम बोल सकते हैं काफी सारे जो स्टिग्मा फ्यूज होकर एक सिंगल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद है माइगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, तो ओव्यूल क्या चीज़ है? ओव्यूल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर हैं वो हम देखेंगे। फ्यूनिकल होता है, इसके पास डंडी जैसे स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा, जो कि इसको प्लेसेंटा के साथ चिपकाने का काम करती है। हिलम बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजिज विद द फ्यूनिकल इन ए रीजन, तो जो बॉडी है फ्यूनिकल्स की ओव्यूल्स की वो रीजन होता है जहाँ पे बॉडी अटैच होती है फ्यूनिकल के साथ में, रिप्रेजेंट द जंक्शन, और यही एक जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में बनता है। इंटैग्यूमेंट्स कवरिंग को बोलते हैं, आउटर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं एनवलप्स होते हैं अराउंड द ओव्यूल, उसको इंटैग्यूमेंट्स बोला जाता है। माइक्रोपाइलर एंड स्मॉल ओपनिंग एट द टिप वेयर द न्यूसेलस
डजेंट एनसर्कल ओव्यूल, कैसा रीजन होता है जहाँ पे जो ओव्यूल है एम्ब्रियो सैक है उसको कवर करने के लिए वहाँ पे न्यूसाइलस रीजन प्रेजेंट नहीं होता जहाँ से पोलन जो ट्यूब है वो एंटर करती है, और इसी की वजह से इसको चैलेज माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड बोलते हैं। चैलेजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट वाले भाग को चैलेजा भाग बोला जाता है और चैलेजल एंड उसी को बोलते हैं। फिर न्यूसाइलस एक मास होता है सेल्स का जो कि इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा कवर किया जाता है। सेल्स ऑफ द न्यूसाइलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, और ये सेल्स जो होती हैं इनकी वो काफ़ी सारी मात्रा में खाना है वो रिजर्व करके रखती हैं ताकि आगे जो एम्ब्रियो सैक है उसको फीमेल गैमेटोफाइट्स को नरिश किया जा सके। उसके बाद एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट ये न्यूसाइलस में प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल हैव ए सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक एम्ब्रियो सैक भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है फॉर्मड फ्रॉम ए मेगास्पोर जो कि मेगास्पोर से डेवलप होकर बनती है जो स्ट्रक्चर। उसके बाद हम ओव्यूल का जो डायग्राम वो देख सकते हैं। सबसे पहले जो डंडे जैसे स्ट्रक्चर्स को फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल जहाँ से अटैच होती हैं उसको हम हिलम स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद ये माइक्रोपाइलर एंड है जहाँ से पोलन ट्यूब है वो एंटर करती हैं, और उसके बाद जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट होती हैं, फिर ये माइक्रोपाइलर एंड होता है और न्यूसाइलस रीजन है, फिर एम्ब्रियो सैक यहाँ पे प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगी, और लास्ट जो अपोजिट एंड है वो चैलेजल एंड देखने को मिलता है। और ये अलग अलग टाइप के जो ओव्यूल हैं वो हैं, सबसे पहला ऑर्थोट्रोपिस ओव्यूल है जिसके अंदर बिल्कुल जो फ्यूनिकल है वो बिल्कुल टुवार्ड्स द अर्थ होती है, बिल्कुल अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, और माइक्रोपाइलर एंड जिसमें बिल्कुल 180 डिग्री में बैंड होता है उसको हम एनाट्रोपस। उसके बाद 90 डिग्री का है तो हेमीट्रोपस। उसके बाद अलग अलग एंगल के हैं तो उनको हम, यदि ज़्यादा एंगल है 90 और उसके 0 मतलब 180 से ज़्यादा 90 और 180 के बीच में है तो उसको एम्फीट्रोपस, और ज़्यादा 180 के पास में है तो उस कंडीशन को माइक्रोपाइलर और फ्यूनिकल के बीच में माइक्रोपाइलर एंड, और उसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। ये कैम्फाइलोट्रोपस है, डी ई एम्फीट्रोपस है, और जो कंप्लीट एनसर्कल हो के जो एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है फ्यूनिकल जो कवर करती है माइक्रोपाइलर एंड को तो उसको सिरसिनोट्रोपस ओविल भी बोलते हैं। तो एनसीआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो डायग्राम हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस बी वाला डायग्राम है जो वो यही डायग्राम है सेम टू सेम। तो उसके बाद हम मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को ही मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल है वो डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन के अंदर एक जो सेल है वो डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल। इट इज ए लार्ज सेल, ये बहुत बड़ी सेल होती है जो डेंस साइटोप्लाज्म जिसके अंदर पाया जाता है और एक स्पष्ट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एमएमसी के अंदर मियोटिक डिवीजन होते हैं, और यहाँ पे भी जो मियोटिक डिवीजन है चार मेगास्पोर बनाने का, और मेगास्पोरोजेनेसिस हम देख सकते हैं ये ओव्यूल है और मेगास्पोर मदर सेल है, 2n डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। उसके बाद मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद चार हैं जो मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 जी डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है और फंक्शनल मेगास्पोर है आगे जाके जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है माइटोसिस सुगन के द्वारा 2 सेल स्टेज बनाएगा, और जो 2 सेल स्टेज है माइटोसिस 2 के द्वारा उस 4 सेल स्टेज हैं वो क्रिएट करता है, और उसके बाद जो 4 सेल स्टेज हैं वो आगे जाके मियोसिस 3 है उसके अंदर 8 माइटोसिस 3 है जिसके अंदर 8 सेल बनाएंगे, और यही 8 सेल अपने आप अरेंज करके एक लास्ट में फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसमें एंटीपोडल सेल पोलर न्यूक्लियस सिनर्जिड्स एक न्यूक्लियस को हमको देखने को मिलेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट है जो एम्ब्रियो सैक उसको देखते हैं, और टिपिकल जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक है मेच्योरिटी के टाइम पे वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल स्टेज होती हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट किसको बोला जाता है, जो हमने देखा है कि एक सिंगल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बनने की जो प्रोसेस है उसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला जाता है। वन ऑफ मेगास्पोर इसमें फंक्शनल रहता है जबकि 3 डिजनरेट है, हमने देखा है अभी ओनली फंक्शनल मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है।
न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली, जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, पहले टू न्यूक्लियाई बनाएगा, उसके बाद जो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे फिर वो दो फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, और टू और मोर सिक्वेंशियल डिवीजन, उसके बाद दो और इसके बाद माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे पहले फोर सेल स्टेज, उसके बाद एट सेल स्टेज, एट न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलती है। माइटोटिक डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाई सेल वाल फॉर्मेशन, और यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे पहले, वाल सेल वाल बाद में बनेगी जो कि अलग अलग सेल को डिफाइन करेगी। आठ सेल स्टेज के बाद, आफ्टर एट सेल स्टेज, सेल वाल्स आर लेड डाउन, और जब आठ न्यूक्लियट बन जाते हैं, एट न्यूक्लियट स्टेज के बाद सेल वाल बनेगी जिससे अलग अलग सेल्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो सिक्स ऑफ एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वाल्स आर ऑर्गेनाइज इन टू सेल्स, इसके अंदर जो छः हैं वो तो सेल वाल क्रिएट कर लेंगी जिससे सेल, छः सेल सेपरेट बनेंगी। पोलर न्यूक्लियाई हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई वो सेंटर में सिचुएट रहेंगे और केवल एक सिंगल सेंट्रल सेल से घिरे रहेंगे, तो यहाँ पे सात सेल हम देख सकते हैं, छः वहाँ पे हैं और एक सातवीं सेल है, लेकिन न्यूक्लियस यहाँ पे आठ देखने को मिलेंगे। और उन छः सेल्स में से एक तो हमारे पास एग अपरेटस होता है जो कि थ्री सेल से मिलकर बनता है, जिसके अंदर टू सिनर्जिड्स और एक एग सेल पाई जाती है जो कि माइक्रोपाइलर एंड के पास स्थित होता है, और जो सिनर्जिड्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती हैं, रखती हैं अपने पास माइक्रोपाइलर टिप की तरफ, जिसको फिलीफोम अपरेटस बोलते हैं। और ये फिलीफोम अपरेटस क्या करती हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं एग तक पहुंचने के लिए। उसके बाद एंटीपोडल सेल्स हैं, थ्री सेल्स आर एट द चैलेजल एंड, और जो थ्री सेल्स होती हैं वो एंटीपोडल एंड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं जैसे ही डिवीजन होते हैं, तो पहले टू सेल स्टेज, फिर फोर, फिर एट सेल स्टेज बनेगी, और उसके बाद ये जो एट सेल स्टेज हैं उनमें से थ्री न्यूक्लियस ऊपर, थ्री न्यूक्लियस नीचे, पोलर न्यूक्लियर बीच में आ जाते हैं, और तीन 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 सेल ऊपर, तीन सेल नीचे बन जाती हैं, और बीच में सेंट्रल सेल है वो मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आगे चार में डिवाइड होगी, आगे डिवीजन के द्वारा मेगास्पोर डायहेड बनेगा, उसके बाद टेट्राड, टेट्राड में तीन डिजेनरेट हो जाती हैं और एक जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वो आगे डिवाइड करती हैं। पहले माइटोसिस होती है, दो दो सेल स्टेज, उसके बाद फोर, उसके बाद एट, एट में से टू सेंटर में आएंगी, ऊपर वाली जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो एग अपरेटस बनाएगी, जिसमें एक एग सेल, दो सिनर्जिड्स बनेगी और नीचे थ्री एंटीपोडल सेल्स हैं, और जो मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर हम देख सकते हैं ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म अपरेटस हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं। ऊपर वाला चैलेंजल एंड है, थोड़ा डायग्राम है इन्वर्टेड, अपोजिट करके दिखा रखा है, चैलेंजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं, और जो एग अपरेटस है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट।